नमस्कार। द कश्मीर फाइल्स जो मूवी है वो अब केवल एक मूवी ही नहीं रही है, इसने एक बॉटल ओपनर का, एक कैन ओपनर का काम किया है। अब जो समाज में एक जागरूकता, एक अवेयरनेस आ रही है हिस्ट्री को लेकर, फॉल्स नैरेटिव्स को लेकर, सो कॉल्ड सूडो सेक्युलरिज्म को लेकर, इंटेलेक्चुअल्स के सफेद झूठ को लेकर, ऐसी क्रांति, ऐसा देश भर में अवेयरनेस का ये रूप शायद फिल्म मेकर्स ने भी नहीं सोचा होगा। कश्मीरी पंडितों के साथ जो कश्मीर में हुआ, जिसके बाद पॉलिटिशियंस ने, मीडिया ने और हिस्टोरियंस ने मिलकर जो किया, वो भारत के केवल एक ही कोने की बात नहीं है, ये बंगाल में, केरला में, गुजरात में, दिल्ली में भी यही षड्यंत्र हुआ है, यही फॉर्मूला सच को दबाने का। एजुकेशन में हेर फेर और जिन इस्लामिक फेनेटिक्स ने ये किया, उन्हें ही विक्टिम दिखाने का, उनके क्राइम, उनके रिलीजियस आइडियोलॉजी में हिंदू हेट को जस्टिफाई करने का काम कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के एजुकेशनिस्ट ने, बिके हुए मीडिया के लोगों ने, भ्रष्ट पॉलिटिशियंस ने और फॉरेन फंडिंग पे पलने वाले हिस्टोरियंस ने मिलकर किया है। अब जरूरत है इस अवेयरनेस को जिंदा रखने की, जरूरत है कश्मीर फाइल्स जैसी कुछ और फाइल्स को निकालने की, पढ़ने की, जैसे मोपला हिंदू जेनोसाइड। केरला में 1921-22 में मलबार एरिया में रहने वाले मुस्लिम कम्युनिटी ने, जिन्हें मोपला या मापिला भी कहा जाता है, 10,000 से ज्यादा हिंदुओं का नरसंहार किया था, जेनोसाइड। हमें खिलाफत मूवमेंट पढ़ाया जाता है, पर यह नहीं पढ़ाया जाता कि उसी खिलाफत मूवमेंट ने केरला के हिंदू जेनोसाइड में फ्यूल का काम किया था। एजेंडा बेस्ड हिस्टोरियंस ने इसे रिबेलियन का नाम दिया है, अगेंस्ट ब्रिटिश एंड हिंदूज। रियली इट्स द सेम फॉर्मूला जो कश्मीरी पंडितों के अगेंस्ट यूज किया गया था, द सेम फेक victimhood story used to justify a genocide। description box में कुछ articles दिए गए, उसे पढ़िए to know more। the reality and facts of partition। भारत का partition human history में सबसे बड़ा human migration था। जब देश टूटते हैं तो केवल boundaries खींची जाती है। भारत के partition में लाखों लोग उधर से इधर आए। इट वॉज अ जोक, अ सिक जोक, मजाक बना था देश का। फैक्ट्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, उसे पढ़िए। यू विल रियलाइज कि पार्टीशन का जो रेफरेंडम था, उसमें कौन कौन पाकिस्तान चाहता था, सच जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इमरजेंसी का सच, 1974 में गुजरात के स्टूडेंट्स ने स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट शुरू करे थे। मुद्दा था प्राइस राइज और करप्शन। इसके रिस्पांस में प्रेसिडेंट्स रूल डिक्लेयर किया गया। इलेक्शंस एक बार फिर हुए, इस बार कांग्रेस हार गई। इसी साल बिहार में भी जयप्रकाश नारायण ने एक नेशनल लेवल का मूवमेंट शुरू किया। 1975 में जस्टिस जगमोहन लाल ने प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को इलेक्शंस में गड़बड़ी करने में दोषी पाया। द इलेक्शंस, हर इलेक्शंस वर डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। यही डर, पावर के हाथ से चले जाने का डर, ये कॉलोनियल सोच, गुलाम रखने की सोच इमरजेंसी का कारण बनी। 1975 से 1977 में 21 महीनों में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 42nd अमेंडमेंट करके भारत को सेक्युलर बनाया गया। यानी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा, जो भारत के कल्चरल फैब्रिक को समझते थे, उन्होंने तो भारत को सेक्युलर नहीं बनाया। पर इमरजेंसी के टाइम फोर्सफुली विदाउट अ रेफरेंडम हम सेक्युलर बन गए। दोस्तों, इन तीनों के अलावा ऐसी कई फाइल्स है जो दबी हुई है,
जैसे 1984 का सिख मैसेकर, जैसे हिंदू टेररिज्म का कॉन्सेप्ट बनाने का षड्यंत्र, पालगढ़ में साधुओं की हत्या, इनके डिटेल्स और फैक्ट्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। जरूरत है इसे जानकर, पढ़कर जो जागरूकता कश्मीर फाइल से जागी है उसे बनाकर रखने की, अपने भविष्य के लिए, भारत के भविष्य के लिए। DC where stories begin.